हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसटीपी के बारे में कि एसटीपी क्या होता है, इसका फुल फंक्शन क्या होता है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप इसमें बने रहिए, मैं आपको आज कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हमारा ये इनपुट पानी आता है, जितने भी हमारे यूनिट्स होते हैं या जितने इलाके रेजिडेंशियल या कमर्शियल, जहाँ भी पानी होता है हमारा सीवेज का, वो पानी यहाँ पर हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम इनपुट लाइन बोलते हैं। ये हमारा होता है बार स्क्रीन चैम्बर। दोस्तों सबसे पहले पानी हमारा यहीं पर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से स्क्रीन लगी हुई है। इसका काम होता है कि जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या इस टाइप की चीज़ें होते हैं फर्स्ट लेवल पे, इनको यहीं पे ये छान देता है। यहाँ से पानी आगे बढ़ता है दोस्तों, फिर ये जाता है ऑयल स्क्रीन चैम्बर में। जितने भी अगर किसी प्रकार की ऑयल की चीज़ें होती तो यहाँ पे ये ऊपर बैठा देता है दोस्तों। फिर ये आगे बढ़ता है अपने नेक्स्ट प्रोसेस में, ये होता है हमारा कलेक्शन चैम्बर। कलेक्शन चैम्बर में क्या होता है दोस्तों, सारा पानी हमारा आ गया वहाँ से ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर से, और यहाँ पर इसको हम एयर देते हैं। एयर देते हैं इसलिए देते हैं, इसको हम पंप से थ्रू एयर देके इसको सारा मिक्स कर देते हैं, सो देट जितना भी हमारा पीछे से स्लज आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं भी ऑड निवर ना रहे, उससे पानी की जो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और पानी का फ्लो भी आराम से आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगला हमारा प्रोसेस होता है दोस्तों इक्विजलाइजेशन चैम्बर। ये बिल्कुल हमारा कलेक्शन की तरह ही होता है, कहीं कहीं हम कलेक्शन देते हैं या कहीं कहीं इक्विजलाइजेशन देते हैं, या इन दोनों में से एक ही देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, और यहाँ पर भी पानी को ठीक से मिक्स कर दिया जाता है, ब्लोअर दी जाती है यहाँ पर, तो दैट जितना भी स्लज है वो हमारा प्रॉपर तरीके से इक्विलाइजेशन में मिक्स हो जाए दोस्तों। इसमें यानी इक्विलाइजेशन मतलब इक्वल हो जाए पानी और स्लज। ये हमारे पंप होते हैं दोस्तों, जो कि इसको हम ब्लोअर पंप बोलते हैं। इसी से हमारा जो है हवा हम वहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे कलेक्शन और इक्विलाइजेशन चैम्बर में। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैम्बर होता है, जिसमें हमारा आ रहा है स्लज के साथ पानी आ रहा है। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक ऑर्गेनिक हैं, मतलब एक को हमें हवा चाहिए होता है यानी एयर चाहिए होता है, एक ऐसे होते हैं जिनको बिना एयर के भी डेवलप रहते हैं और इस स्लज को वो खाते रहते हैं। ये हमारा दोस्तों एरिएशन टैंक होता है, इसमें आप देख सकते हैं ब्लोअर्स लगे हुए हैं। यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा एसटीपी का बीओडी और सीओडी कितना है दोस्तों, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बीओडी क्या होता है दोस्तों, बीओडी होता है मतलब जो हमारा इसके अंदर बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं, और कुछ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों जो इसके अंदर पहले से ही अब लेवल होता है उसको हम लोग सी ओ डी बोलते हैं, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायो ऑक्सीजन डिमांड। उसको हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि हमारा इनपुट के हिसाब से यहाँ आउटपुट में कितना आ रहा है दोस्तों, और उसके अलावा अगर इसमें कुछ मिश्रण करने की ज़रूरत है तो उसको देखते हैं, और बैक्टीरिया को यहाँ पर डेवलप करके रखते हैं और यहाँ कुछ प्रॉपर इसकी हवा भी देते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे यहाँ पर डेवलप रहे। क्योंकि दोस्तों बैक्टीरिया आपको मालूम है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैक्टीरिया जितने ज़्यादा हमारे मल्टीप्लाई होते रहेंगे उतने वो अच्छा स्लज वो उनका खाते रहेंगे। बिकॉज आपको मालूम है जैसे कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें दो चीज़ें चाहिए रहा होता है जिंदा रहने के लिए, खाना और पानी और हवा। तो खाना हम खा लेते हैं दोस्तों, हवा हमें ऑक्सीजन से मिल जाती है, वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी दोस्तों यहाँ पे हम फीड कर रहे हैं बाहर से खाना उनको, और ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पर हमने पंप्स लगा रखे हैं जो उनको हवा मिलती रहे दोस्तों, जैसे वो मेनटेन रहे। तो यहाँ पर हमारा आता है पानी स्प्लिटर बॉक्स में आता है दोस्तों, यहाँ पर पानी हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी क्लियर हो गया है। यहाँ से हम लोग अब ले चलेंगे सेटलिंग टैंक में, कि जिससे कि अंदर जिसका स्लज है और पानी है उसको हम अलग करेंगे। आइए हम लोग सेटलिंग टैंक समझते हैं कि सेटलिंग टैंक कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेरिफाइड टैंक, यानी कि पानी हमारा यहाँ से अब क्लेरिफाई होके आ चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ से अगले प्रोसेस में यानी कि ACF में और MGF में जो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर हम भेजते हैं। तो क्लेरिफाइड से दोस्तों पानी हमारा जाएगा अब फाइनल प्रोसेस के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कई बार स्लज हमारी ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग अगर एक्टिवेटेड यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको एक्टिवेटेड उसमें ले जाते हैं चैम्बर में, फिर से ले जाते हैं उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और बाकी स्लज को हम फिल्टर प्रेस पंप से बाहर केक के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों इसको हम लोग ओजोनेटर बोलते हैं। ओजोनेटर मतलब क्या हुआ कि कई बार बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गया है एटमोसफियर में, तो वो O3 के माध्यम से इसको मिनिमाइज कर देता है यानी ख़त्म कर देता है, और ये हमारी स्मेल भी ख़त्म कर देता है, इसलिए हम लोग दोस्तों ओजोनेटर लगाते हैं। ये क्या होता है कि इसको हम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को ले जाते हैं तो ओजोनेटर के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका मुख्य काम यही हुआ कि जितना भी बैक्टीरिया अगर कोई एटमॉस्फेयर में आ गया है या हमारी स्मेल है इसको ये मिनिमाइज कर देगा। ये देखिए दोस्तों हमारा फिल्टर प्रेस पंप होता है, यानी जो मैंने आपको बताया था क्लेरिफाइड टैंक से यानी सेटलिंग टैंक से जो हमारा फिल्टर आ रहा है प्रेस ये आ रहा है हमारा स्लज आ रहा है यहाँ हम केक से निकाल लेते हैं, और इसका दोस्तों हम लोग अपने हॉर्टिकल्चर एरिया में घरों में या खाद के थ्रू इससे प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम लोग दोस्तों स्लज रिसर्कुलेशन पंप भी बोलते हैं, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर स्लज कई बार ज़्यादा हो जाती है हम लोग रिसर्कुलेट करके ले जाते हैं उसको, फिर से एक्टिवेट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमारा जो पानी होता है क्लेरिफाइड जो पानी होता है ये हमारा प्रेशर सैंड फिल्टर भी आता है,
कई बार इसको हम जो है मल्टीग्रेड फिल्टर ही बोलते हैं। इसमें दोस्तों चार से पाँच लेयर बनी होती है, जो कि हमारा 1.5 mm से लेकर 14 mm तक के पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग पेबल साइलेक्स पाइलेक्स करके भी बोलते हैं। वो 14 से स्टार्ट होती है, 2 mm तक या 1.5 mm तक आती है। और आपको मालूम होगा कि दोस्तों ये जो हमारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी ऑटोमेटिक ग्रेविटी के थ्रू नीचे आता है और वो छनन विधि द्वारा नीचे आ जाता है। दोस्तों इसकी एक अच्छी बात या खास बात होती है, ये जो होता है आपके अंदर रेस्टिटी में जो TSS होता है, यानी 50 mL तक ये जो हमारा ये TSS यानी कि MGF जो होता है इसको छान देता है। दोस्तों ये हमारा फाइनल प्रोसेस होता है, जो कि इसको हम बोलते हैं हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। मतलब दोस्तों यानी क्या होता है कि इसमें चारकोल पड़े होते हैं, इसका काम होता है दोस्तों अगर कोई माइनर स्मेल बच गई है तो इसको ख़त्म कर देगा, और जो है ये अगर कोई माइनर सी क्लीनिंग बची है तो उसको भी ये क्लीन कर। ये दोस्तों हमारा फाइनल प्रोसेस होता है। अब ACF के पास जो होता है पानी यहाँ से निकलता है, यानी कि इसमें हम लोग हाइपो मिलाते हैं। हाइपो क्या करता है दोस्तों, अगर इसमें कोई माइनर बैक्टीरिया बचे हैं तो ये हाइपो इसको क्लीन कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा बिल्कुल क्लीन कर। उसके बाद ये देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार का पानी आएगा। अगर आप ये प्रोसेस ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो आपका पानी इसी तरीके से मिलेगा, और इसको आप रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको आप यूज़ करते हैं फ्लसिंग में या हॉर्टिकल्चर एरिया में। दोस्तों ये हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट है, हमारा पानी जो आ रहा है हमारा ACF के बाद। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, वहाँ हम पानी को और अच्छा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आजकल BOD CO2 एक हमारा पैरामीटर है एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से, ये और हमारा अच्छा मेंटेन कर लेता है दोस्तों। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करता है कि जो कि हमारा दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एक बहुत अच्छी बात होती है, यानी कि जो इसके अंदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड होती हैं, ये क्या करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 0.01 से जितने भी ऊपर के होंगे उनको कम कर देगा, और आगे उसके भेजेगा पानी, तुम्हारा पानी बहुत ज़्यादा क्लीन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।